पहली बार OTT पर बिग बॉस का दूसरा सीजन लेकर आए हैं सलमान खान। पहले ही दिन से शो ने अपनी रौनक बना ली है। इस शो में YouTube से लेकर फिल्म और TV इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज के अलावा विदेशी मॉडल जैद हबीब को भी लिया गया है। यकीनन बिग बॉस का टारगेट वो ऑडियंस भी है जो इस शो से अब तक दूर रहे हैं। खैर, जैसी भी उम्मीद थी, शो का पहला वीकेंड का वार धमाकेदार रहा। पहली बार सलमान खान ने जिन लोगों की क्लास लगाई उनमें आकांक्षा पुरी और आलिया सिद्दीकी हैं। इसी के साथ इस घर से बेघर निकलने वाले में दूसरी रही पलक पुरसवान। ऐसा लग रहा है OTT का ये शो शुरुआत से ही अपनी रफ्तार में है और स्लो पिच पर रहने के लिए तैयार है। शो के शुरुआत होने के एक ही हफ्ते के अंदर दो लोग घर से बेघर हो गए हैं। शुरुआत में 24 घंटे के अंदर पुनीत सुपरस्टार और फिर वीकेंड का वार पर पलक पुरसवानी को घर से बेघर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके बाद दूसरे हफ्ते का नॉमिनेशन टास्क हुआ, जिसमें घर के दो सदस्य पर अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। इस नॉमिनेशन के लिए बिग बॉस ने घर वालों के लिए एक टास्क रखा था। इसी टास्क में आलिया सिद्दीकी और जिया शंकर दो ऐसे नाम सामने आए हैं जो नॉमिनेट हुए हैं। दूसरे हफ्ते के लिए नॉमिनेशन टास्क का नाम सर्कल ऑफ ट्रूथ रखा गया। इस टास्क में घर के सभी सदस्यों को किन्हीं तीन कंटेस्टेंट के नाम के आगे बजर दबाकर उन्हें नॉमिनेट करना था। बिग बॉस के निर्देश का मुताबिक जिस भी कंटेस्टेंट के लिए तीन या उससे ज़्यादा बजर दबेंगे उनका नाम इस वीकेंड के वार नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल होगा। इस टास्क में आलिया सिद्दीकी और जिया शंकर नॉमिनेट हुए हैं। मज़ेदार ये है कि गलती से जिया ने खुद के लिए ही बजर दबा दिया। हालांकि इस टास्क में मनीषा रानी और जद हदीदी के दो कंटेस्टेंट निकले जिन्हें किसी ने भी नॉमिनेट नहीं किया है। इन दो कंटेस्टेंट को आलिया को लोगों ने कन्फ्यूजन कंटेस्टेंट बताकर नॉमिनेट किया है। वेल, इन सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है हमें बताइएगा इन कमेंट सेक्शन। बॉलीवुड और टेलीविजन की और बिग बॉस की हर इसी तरह की अपडेट्स और गॉसिप पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और प्रेस करना ना भूले बेल आइकन को। तब तक के लिए बाय बाय।